यात्रा आज पहुंची है जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर में और जवाबदेही मांग को लेकर ये महापड़ाव आप देख सकते हैं। भारी जनसमूह यहाँ पे मौजूद है। आखिर ये जवाबदेही क्या है और आखिर ये जवाबदेही कानून है क्या, इसके लिए हमारे साथ में हमारे पत्रकार साथी लखन जी सालवी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जवाबदेही क्या है और जवाबदेही कानून किस तरीके की मांग है। तो ये एक तरीके से रिवर्स सवाल है। अरावली मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष है गोविंद जी और तो ये तो है संगठन की ओर से जो जवाबदेही यात्रा निकाल रहे हैं और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि जवाबदेही कानून क्या है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी आप ही लोगों से जाना है कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसकी मांग की जा रही है कि सुनवाई हो, शिकायत करता हूँ कि सुनवाई हो, सुनवाई और शिकायतों पर कार्रवाई हो और सुरक्षा मिले मजदूरों को, सुरक्षा शिकायतकर्ताओं को जो है सुरक्षा मिले, इसके साथ ही जो है भागीदारी हो। कई बार शिकायतकर्ता जब शिकायतें तो कर देते हैं, जांच भी जो है की जाती है, लेकिन जांच के दौरान शिकायतकर्ता से नहीं पूछा जाता है, शिकायतकर्ता को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये भी इसके अंदर एक मांग है और एक मंच की मांग है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन पे वो जो अपनी शिकायतें करे वो कहाँ करे, उसका उचित मंच एक हो, ये सब इस कानून के अंदर प्रावधान हो, ऐसी मांग की जा रही है कि जब हर व्यक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित हो और कार्रवाई हो, सुनवाई हो, सुरक्षा और शिकायतों का मंच, ये इस कानून की। लगन जी एक सवाल और था क्योंकि आप अधिकारी अगर मंच तो मिल जाएगा लेकिन कार्रवाई करने वाले के अधिकारी जिसने कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वही 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 इस अधिनियम में तो यही पेनल्टी का प्रावधान, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है तो उसमें जब 30 दिन का प्रावधान है कि कोई भी कोई आवेदन करता है तो 30 दिन में जो है उनको मिलनी चाहिए। 30 दिन में अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बाद में पर डे की पेनल्टी लगती है 250 रुपये, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने शिकायत की है तो उस शिकायत का सुनवाई कितने दिन में करना है उतना टाइम पीरियड एक सुनिश्चित किया जाए इस अधिनियम के तहत, और फिर अगर उतने दिनों में वो कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनके ऊपर एक्शन हो, उनके ऊपर पेनल्टी हो, ये भी हो। तो लखन जी इसको अपन ये माने कि पहले अधिकारी के द्वार जनता थी लेकिन अब जनता के द्वार अधिकारी होगा। बिल्कुल 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 ऐसे ऐसे ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो ये थे हमारे लखन जी जो हमसे बात कर रहे थे, पूरे कानून का समीकरण बता रहे थे और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे तमाम संगठन के जो सदस्य वो यहाँ मौजूद है और ये जवाबदेही कानून की मांग इसलिए की जा रही है ताकि एक कुशल शासन मिल सके राज्य में और कोई भी वंचित न रहे, राशन से वंचित नहीं रहे, पेंशन से वंचित नहीं रहे। तो आप देखिए विकलांग पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, चक्कर काट रहे हैं, श्रम डायरी नहीं बन रही है, रोडे नहीं है, नालिये नहीं है, पानी नहीं है, कई छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पर अधिकारियों को पहले ही काम करना था। अब गाँव के संग प्रशासन में जो आता है कैंप लगा रहे हैं, गाँव ग्रामीणों के संग कैंप लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है, एक घोंसलेबाजी की जा रही है। अगर इनको ये रूटीन का काम है ये डेली करना चाहिए था और सरला जी इस बात को पूरी वहाँ पे पूरी रख रहे हैं कि कितने कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं और किस प्रकार से तनख्वाह जो है जो हमारे खजाना है उसको लूटा जा रहा है। आइए चलते हैं सिंगला जी के पास।